एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम वाइब्स। मैं हूं नैंसी और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर बात कर रही हूं, वो टॉपिक जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, गर्ल्स और वुमेन में देखा जाता है। दरअसल वुमेन्स हो या फिर गर्ल्स हो, ये दिक्कत तो आती ही आती है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हमारी फटी एड़ियों को लेकर। जी हाँ, जैसे हमारी एड़ियों में क्रैक्स पड़ जाते हैं और हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, वो बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। ट्रस्ट मी, जब ठंड में होते हैं तो हम सॉक्स वगैरह पहन लेते हैं और वो चीज कवर हो जाती है। बट अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में फटी एड़ियों पे निगाह सबसे पहले पहुंचती है। सबसे पहले ये देखा जाता है जब आप सैंडल या स्लीपर्स या शूज उतारे कि आपकी एड़ियां फटी हुई हैं। बट आज जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी आपकी फटी एड़ियों के लिए, वो आपको एक महीने तक करनी है और विद इन वन मंथ आप उसका रिजल्ट इजीली देखेंगे। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर वो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पर मैंने आपको खुद अपनी एड़ियों पर करके दिखाया है और आप देख सकते हैं कि मेरी एड़ियां काफी हद तक साफ। मैं भी खुद इस रेमेडी को खुद पहले अपने आप पे करती हूँ और फिर अपने चैनल पे बताती हूँ। ये रेमेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और साथ ही साथ आपको कोई भी हार्म नहीं देगी। यहाँ पर बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे और बहुत ही सस्ते में काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। मगर वीडियो को आगे देखने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने यहाँ पर लिया है आधा आलू, क्योंकि मैं अब निकालूंगी इसका जूस और ऑलरेडी मैं इसका जूस निकाल चुकी हूँ। अब मैंने इसके अंदर हाफ लेमन भी डाल दिया था। आपको इसके अंदर आधा नींबू डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। आलू, नींबू, एलोवेरा जेल और टूथपेस्ट का मिक्सर आज आप देखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून एलोवेरा जेल को लिया और उसे मिक्स किया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कोलगेट टूथपेस्ट। जी हाँ, सुनने में आपको हैरानी ज़रूर हो रही होगी, मगर ट्रस्ट मी, अगर आप ये रेमेडी कंटिन्यू 5 दिन तक अपनी फटी एड़ियों पर लगाएंगे तो आपकी फटी एड़ियों में आप फ़र्क देखेंगे। ये रेमेडी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको अपनी एड़ियों पर लगाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको कॉटन की हेल्प से अपनी फटी एड़ियों पर इसको ऐसे लगाना है। और याद रखिएगा, रात में सोने से पहले अगर आप इस रेमेडी को अपनी फटी एड़ियों पर 10 मिनट तक लगाकर छोड़ेंगे और ठंडे पानी से धोएंगे तो असर आप ज़्यादा देखेंगे। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर आपको बताया बहुत ही सिंपल सा एक ऐसा मिक्सचर जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एड़ियों पर लगाना है और आपकी ये जो फटी एड़ियां हैं आप खुद देखेंगे कि क्या मैजिक का ये काम करेंगी। ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यू तक करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आके आप खुद कहेंगे कि नैंसी, आपने जो रेमेडी बताई है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। तो फिलहाल मैं तो चली, मगर आप कहाँ चले? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए।